हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव। आज आपके लिए नया चैप्टर क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो वेक्टर का जो आपने पहली बार पढ़ा है क्लास ट्वेल्थ में, इससे पहले कभी वेक्टर आपने पढ़ा नहीं है, तो इसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से शुरू करूंगा और इसके पूरे चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं राइट करूंगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको बीएससी में बहुत काम आएगा, इसके ऊपर पूरी स्पेशल बुक रहेगी, तो आपको वेक्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले मैं अभी स्टार्ट करूंगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, छोटे छोटे उसके एग्जांपल्स की हेल्प से अगर आपको समझ में आएगा उसके लिए एग्जाम्पल भी लूंगे छोटे छोटे बिल्कुल, और हम सभी पे सीरियल वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी की, क्वांटिटी होती है हमारी, क्वांटिटी होती है हमारी दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमें बात करना है वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। सबसे पहले हमारा यही है कि हमें वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर बात करना है। वेक्टर क्वांटिटी का हमारा सिंबल क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल इस प्रकार का होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? पोजिशन वैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजिशन वैक्टर भी बोलते हैं इसको। और हमारा ये साइन होता है, देखो ये, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। हमारे ये हो गए दो सिंबल्स, तो सबसे वेक्टर है ये भी हमारे, इसको वेक्टर का साइन भी बोलते हैं और पोजीशन वेक्टर का साइन भी बोलते हैं। और हमारा जो ये चोंच टाइप का दिख रहा है आपको ऐसे, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर, जो कि हमारे दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है वेक्टर के। आगे हम इन्हीं का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर के कितने टाइप हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अभी हम सेकंड टॉपिक लेंगे, इसके पहले मैंने बताया क्वांटिटी के बारे में, दूसरा हम अभी बात करेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का सिंबल आपको पता ही है, ये होता है हमारा, मान लो कोई भी एक वेक्टर गिवन है, हमारा एक वेक्टर ए गिवन है, हमें दे दिया 2i + 3j + 4k, ये है हमारे। तो अभी जो हमारा तीन वेक्टर होते हैं हमारे i, j और k, ये हमारे क्या है? तीन वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? तीन वेक्टर होते हैं। इनका हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, i, j और k, ये हमारे तीन वेक्टर होते हैं। इसके ऊपर मैं पूरा इसका डिटेल में आपको अगला जो हमारा थर्ड रहेगा जिसमें हम टाइप ऑफ वेक्टर के ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब मैं आई जे के काम यूज करना बताऊंगा कि हम कैसे इसका यूज करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी इसका ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड का सिंबल मैंने बता दिया आपको, ये होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा ये हो गया मैग्नीट्यूड का साइन। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे? अंडर रूट। क्या करेंगे? अंडर रूट, जो हमारा इसके आई के साथ जो हमारा कोफिशियंट है 2, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस के की 10 जो कोफिशियंट है हमारा 4, उसका स्क्वायर, तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया। तो इस प्रकार हमने इसका निकाला, तो हमारा गया 4 + 9 + 16। तो इस प्रकार हमारा कितना आ गया, ये हमारा अंडर रूट 29। तो इस प्रकार हमने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, जो हमारा आगे यूज में आएगा बहुत जगह, हमारा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना कि हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड क्या हो गया हमारा, कुछ वेक्टर के टाइप है उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा टाइप ऑफ वेक्टर। वैसे तो हमारे वेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं वेक्टर्स के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले हमारा वेक्टर आता है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नल वेक्टर, और इसी को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा क्या होता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर? क्या होता है? किसी वेक्टर का उज वेक्टर मैग्नीट्यूड, जो हमने अभी सीखा मैग्नीट्यूड क्या हो हमारा? जीरो। क्या हो मैग्नीट्यूड हमारा? क्या होगा? जीरो। उस वेक्टर को क्या हम क्या बोलेंगे? हम नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नल वेक्टर।
अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा पहला वेक्टर था, अब हम सेकंड वेक्टर के ऊपर बात करेंगे कि सेकंड वेक्टर क्या होता है। देखो सेकंड वेक्टर हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर, किसके ऊपर बात करेंगे, यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह यूज में आएगा ये, इसकी हेल्प से हम आगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो उसके ऊपर बात करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था यूनिट वेक्टर का सिंबल ये होता है, ये क्या होता है यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, ये हो गया सिंबल उसका। अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ये दे दिया हमारा, इसका ये हो गया ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैंने आपको निकालना सिखाया है अभी, और ए यूनिट वेक्टर ये होता है स्टूडेंट्स। देखो एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना भी सिखाऊंगा। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल लिया कि हमें कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ए दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, हमने एक यही छोटा सा वेक्टर, एक वेक्टर हमें दे रखा है और हमें पूछ लिया फाइंड यूनिट वेक्टर, क्या पूछ लिया फाइंड यूनिट वेक्टर, तो स्टूडेंट्स हमें ये पूछा, अभी हमें क्या करना है, देखो मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया, ए यूनिट वेक्टर, तो हमें सबसे पहले ए पोजीशन वेक्टर, जो ए वेक्टर ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए ओनली मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालना मैंने अभी आपको सिखाया है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मैंने बताया था आपको अंडर रूट, जो आई के साथ जो उसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर तो हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस के साथ जो है उसका स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, तो इस प्रकार हमने स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 9, कितना हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है 29 आया स्टूडेंट्स। तो हमें यूनिट वेक्टर हमारा क्या आ गया, देखो यूनिट वेक्टर हमारा क्या आया, क्या फॉर्मूला था, ए का पोजिशन वैक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो हमारा ए पोजिशन वैक्टर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन ए का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा 29 अंडर रूट स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आज हमने इसके ऊपर यूनिट वेक्टर के ऊपर बात की, अभी हम वेक्टर के थर्ड टाइप के ऊपर बात करेंगे, थर्ड टाइप क्या होता है, थर्ड टाइप हम बात करेंगे, इसमें मैं आपको स्टूडेंट्स एक चीज और बता देता हूं जो मेरे से रह गई है कि यूनिट वेक्टर किसी भी यूनिट वेक्टर कब होगा जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सॉरी कैप आएगी इधर, हमारा 1 होगा ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ये भी एक इसका होता है पता करने का। तो इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे थर्ड इक्वल वेक्टर के ऊपर कि इक्वल वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट। तो देखो अभी हम चलते हैं थर्ड, थर्ड क्या होता है हमारा, थर्ड क्या होता है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब देखो इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसकी क्या हो डायरेक्शन, देखो मैं स्टूडेंट्स लिख देता हूं इधर, जिसकी डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, जो पैरेलल हो, जो पैरेलल हो, और तीसरा, तीसरा जिसकी लेंथ सेम हो, लेंथ सेम हो, वो हमारा होगा इक्वल वेक्टर। क्या होगा, जिसकी डायरेक्शन सेम हो, जो पैरेलल हो आपस में, और जिसकी लेंथ सेम हो, वो हमारा होगा इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में स्टूडेंट देखो हमारे इक्वल वेक्टर क्या, इक्वल कोई भी चीज कब होगी, जब हमारी दो चीजें होंगी तभी वो इक्वल होगी। मान लो ए कुछ भी हमारा एक वेक्टर है और बी हमारा एक दूसरा वेक्टर है, तो हमें दो वेक्टर दे दिए, इक्वल तो वही होगी जब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। कोई भी इक्वल वेक्टर होने के लिए, कोई भी चीज को इक्वल होने के लिए दो चीजें चाहिए हमें, तो इस वेक्टर में भी सेम है, हमारी दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और दोनों की लेंथ, लेंथ का मतलब हमारी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वो हमारा रहेगा इक्वल वेक्टर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वेक्टर पे बात करते हैं हमारा कोलिनियर वेक्टर, किस पे बात करते हैं हमारा कोलिनियर वेक्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर वेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे कोलिनियर, और एक आगे हम पढ़ेंगे कोप्लैनर, उसके ऊपर हमारे क्वेश्चन भी आएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर वो होता है जो हमारा वेक्टर सेम लाइन पे हो, मान लो हमें कोई भी वेक्टर दे देगा, ए वेक्टर दे देगा, एक बी वेक्टर दे देगा और एक सी वेक्टर दे देगा, हमें तीन वेक्टर दे देगा, तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, हुज वेक्टर
हैव द सेम लाइन, हैव द सेम लाइन, जो हमारी सेम लाइन पर रहेंगे। तो इसका मैं सिंपल बता देता हूं, हम इसको ये भी लिखते हैं, देखो ए बी इज इक्वल टू एम बी सी। जो एम है हमारा, एम एम क्या है हमारा, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगी हमारी, कोई भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये भी हमारी एक वेक्टर होता है, ये इसको बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कोलिनियर वेक्टर। तो इससे अगला हमारा फिर है कोप्लेनर, क्या है कोप्लेनर वेक्टर। अगला क्या हमारा कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर में क्या होता है स्टूडेंट, वो था कोलिनियर और ये है कोप्लेनर। तो आपको देख कोप्लेनर पढ़ने से ही पता लग रहा है कि प्लेन में, तो हम इसकी डेफिनेशन सिंपल सी रहेगी, वो वेक्टर जो हमारे सेम प्लेन में रहेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सेम प्लेन में रहेंगे और वो हमारे पैरेलल रहेंगे, और उसी प्लेन जो हमें प्लेन गिवन रहेगी उसके पैरेलल रहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, हूज वेक्टर दे लाइट इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन, ये हमारा क्या रहेगा कोप्लेनर वेक्टर स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला वेक्टर रहेगा, अगला वेक्टर बिल्कुल छोटा सा है और थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा है उसमें। अगला वेक्टर हमारा है नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, देखो नेगेटिव वेक्टर कुछ भी नहीं है हमारा, नेगेटिव वेक्टर में छोटी सी चीज है, कोई भी वेक्टर हमें दो वेक्टर दे देगा, मान लो ए वेक्टर दे दिया और एक बी वेक्टर दे दिया हमें, क्या दे दिया, एक ए वेक्टर दे दिया और एक बी वेक्टर दे दिया, तो क्या रहेगा एक वेक्टर दूसरे के अपोजिट रहेगा, ये हमारा रहेगा, या फिर ए वेक्टर हमारा बी के नेगेटिव, तो ये होता है हमारा नेगेटिव, एक अपोजिट साइन आना, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं अपोजिट साइन आना हमारा नेगेटिव वेक्टर रहेगा। और पोजिशन, अगला एक हमारा और होता है पोजिशन वेक्टर, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका कि ये इस प्रकार का साइन, यही हमारा वेक्टर का साइन होता है और यही हमारा पोजिशन वेक्टर का साइन होता है। तो स्टूडेंट पोजिशन वेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, क्योंकि आगे पोजिशन वेक्टर का हमारे बहुत यूज रहेगा। तो देखो हमारा है नेक्स्ट पोजिशन वेक्टर, क्या हमारा पोजिशन वेक्टर, क्या स्टूडेंट्स हमारा पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का मैंने सिंबल तो आपको यही बताया, ये होता है स्टूडेंट्स, अब हमें कोई भी एक वेक्टर दे दिया, मान लो ए हमें दे दिया 2i प्लस 3j दे दिया, और बी वेक्टर दे दिया हमें 4i प्लस 5j, और पूछ लेगा फाइंड पोजीशन वेक्टर, क्या पूछ लेगा फाइंड पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका हमें सिंपल सा है, हम क्या लिखेंगे ए बी, मैंने बताया पोजीशन वेक्टर का क्या होता है, ए बी दो पॉइंट का निकाल रहे हैं, ए और बी दो पॉइंट है, तो उनका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ए बी तो हमारा दो पॉइंट हो गया, और उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया पोजीशन वेक्टर, तो अब क्या होगा बी पोजीशन, बी का वेक्टर माइनस ए का वेक्टर, ये होता है हमारा इसका निकालने का पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। तो ये हो गया, अब बी वेक्टर क्या हमारा 4i प्लस 5j माइनस ए, ए क्या होता है 2i, फिर इसके माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया, तो हमारा क्या आएगा 4i। देखो वेक्टर में क्या स्टूडेंट्स, जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे सेम उसी प्रकार का है हमारा, i है तो i में से i ही माइनस होगा, तो 4i माइनस 2i तो हमारा 2i, ये हो गया, 5j में से j का माइनस होगा 5j माइनस 3j तो हमारा कितना बच गया 2j। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमने सभी वेक्टर के जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हमारे थे हमने उसके ऊपर बात कर लिया है। अब सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा अगला, उसमें हम क्या सीखेंगे डायरेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे वेक्टर, और हम नेक्स्ट चैप्टर 3D करेंगे, उसके अंदर आपको यही दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा जो मैं दोनों नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, और दोनों के मैं एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर हमारा क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो, सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स डायरेक्शन रेशियो, इनको हम डिनोट कर लेते हैं ए बी और सी से, ठीक है स्टूडेंट्स ए बी
सी, ये हमारा सिंबल होता है ऐसे, देखो ये होता है ए बी सी, हमारा रहेगा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम इसको डीआर भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोल देते हैं डीआर, इसको भी हम डायरेक्शन रेशियो ही बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वेक्टर का हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल लूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत बहुत टाइम लगेगा समझने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जल्दी से जल्दी समझ में आना चाहिए। तो मान लें हमें एक वैक्टर कोई भी दे दिया, ये हमें दे दिया ए वैक्टर कोई भी, क्या दे दिया 2i-3j+8k, ये हमें दे दिया, और पूछ लिया फाइंड डीआर या डायरेक्शन रेशियो, जो भी वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा वो क्या पूछता है। तो हमें ये दे दिया, अब इसका हमें निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, देखो हमें ये डायरेक्शन रेशियो तो मैंने बताया था, ये सिंबल लिख लिया आपने। अब स्टूडेंट्स जो आई के साथ दे रखा है, ये क्या दे रखा है आई के साथ, टू, तो हम टू लिख देंगे, ठीक है। जे के साथ क्या है -3, क्या स्टूडेंट्स हमारा -3, तो कोमा लगाया देखो मैंने इधर, कोमा -3 कोमा। अब के साथ क्या है हमारा 8, क्या हो गया स्टूडेंट्स 8, तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे डायरेक्शन, क्या हुआ स्टूडेंट्स ये हमारे डायरेक्शन रेशियो, क्या हुआ हमारे डायरेक्शन रेशियो। इस प्रकार हमने डायरेक्शन रेशियो निकालना सीखा, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। जो भी रहेगा हमारा इसके साथ 5 हो या -5 आ जाए आई के साथ, तो हमारा माइनस आ जाएगा, जो साइन है साइन हमें लगाने हैं, प्लस माइनस जो भी रहेगा, तो इस प्रकार हमारा जो है डायरेक्शन रेशियो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कोसाइन। हमें अगर डायरेक्शन रेशियो निकालने आते हैं तो ही हम उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल पाएंगे, वरना हम डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल पाएंगे। तो अब डायरेक्शन रेशियो के बाद डायरेक्शन कोसाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ही यूज में आएगा। अब उसके बाद हमारा कैसे करेंगे इसको, कैसे किसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, हमें कोई भी वेक्टर दिया रहेगा ए, तो क्या रहेगा अपॉन में ए का जो वेक्टर दिया रहेगा ए, देखो माने हमें एक ए वेक्टर दे दिया ये, ठीक है, तो उसमें दे दिया a1i+a2j+a3k, ये हमें एक वेक्टर दे दिया। तो हमें इसका पूछ लिया फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो a1 अपॉन a का मैग्नीट्यूड कोमा a2 अपॉन a का मैग्नीट्यूड कोमा a3 अपॉन a का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स ये हमारे क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइन, क्या होंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन, एक छोटे से एग्जांपल्स की हेल्प से आपको मैं बताऊंगा कि किसी के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया हमने, मान लो कोई भी एक वेक्टर दे दिया हमें 2i+3j+4k, ये हमने एक वेक्टर दे दिया, हमें क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको निकालना सिखाया था, जैसे सेम हम पिछले क्वेश्चन की तरह 4+9+16, 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड 29 आ गया स्टूडेंट। हमें क्या चाहिए, अब देखो इसके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए a1 क्या चाहिए हमें, a1 क्या है हमारा 2, क्या है 2 अपॉन a का मैग्नीट्यूड क्या है 29 अंडर रूट, अब देखो कोमा a2 क्या है हमारा 3, वो j के साथ है वो a2 हो गया अपॉन अंडर रूट 29, उसके बाद ये क्या है 4 अपॉन अंडर रूट 29, ये स्टूडेंट्स हमारे हो गए डायरेक्शन कोसाइन। तो दोनों में डिफरेंस डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या है, जो हमारे इनके साथ जो कोफिशियंट दे रखे वेक्टर ए के साथ, जो आई जे के कोफिशियंट हमें दे रखे इनके साथ, वो हमारे हो गए डायरेक्शन रेशियो। और जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या है, जो हमारा पूरा वेक्टर दे रखा है वो उसके कोफिशियंट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने अभी आपको निकालने दिखाया। तो दोनों स्टूडेंट्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना आना आपको, और उसके बाद हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, आप ये तीनों चीजें तो बिल्कुल ध्यान रखना कि ये निकालने ही निकालने आने चाहिए अगर वेक्टर आपको आना चाहिए तो। उसके बाद कोलिनियर और कोप्लेनर, इसके ऊपर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर, कोप्लेनर, और आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे एरिया फाइंड, एरिया पैरेललोग्राम या फाइंड के राइट एंगल ट्राइंगल का वेक्टर कैसे निकालते हैं, और किसी भी मतलब किसी के पैरेललोग्राम का पूछ लेगा, उसके एडजेसेंट साइड या आइसोलेटेड ट्राइंगल, किसी के ऊपर क्वेश्चन, इन जो 5-6 टॉपिक में आगे कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनके ऊपर
बात करेंगे। अभी हमारा एक दो एक लेक्चर मैंने आज लिया है, एक नेक्स्ट लेक्चर में और लूंगा बेसिक के ऊपर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें मैं एक्सरसाइज भी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, जो कि बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में 10.1 में बिल्कुल नॉर्मल है। क्वांटिटी के बारे में, ये स्केलर है, वेक्टर है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो उसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी भी उसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अभी तक हमने पढ़ लिया डायरेक्शन रेशियो निकालना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन रेशियो पढ़ा था और डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा था, उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्केलर, और स्केलर को हम डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट क्या होता है स्टूडेंट, देखो डॉट तो आपने पढ़ा ही है, डॉट क्या होता है, सिंपल सा हमारा ये कोई भी फुल स्टॉप टाइप का ही हमारा डॉट होता है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो अब मैंने तीन वेक्टर बताया था आपको, एक तो आई बताया था और एक जे बताया था और एक के बताया था स्टूडेंट, मैंने आपको तीन वेक्टर ही बताया था। तो स्टूडेंट देखो इनमें हम क्या करेंगे, इनमें हम किसी का भी स्केलर और डॉट, डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का देखो डॉट का मतलब तो ये हो गया डॉट, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यही होता है हमारा। तो किसी भी दो वेक्टर का है, ये दो है तीन है, उनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हमारा क्या आएगा। तो स्टूडेंट देखो इसमें सिंपल सा है, जब हम आई डॉट आई इक्वल जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों करेंगे तो हमारा आएगा वन, क्या आएगा, इन तीनों का करेंगे तो हमारा वन आएगा। और हम आई डॉट जे कोमा आई डॉट के इक्वल, फिर हमारा हो जाएगा जे डॉट के और हमारा मतलब जे डॉट आई और हमारा के डॉट आई, या फिर हमारा आई डॉट के, हमारा ये कुछ भी हो, ये हमारे सारे किसके इक्वल आएंगे, हमारे मतलब इनको छोड़ के हमारे जितने भी हैं आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के को छोड़ के ये सारे वन के इक्वल आएंगे। बाकी हमारा किसी का भी करेंगे आई का जे के साथ या आई जे का के साथ, सबका जीरो आएगा। ये हमारा है किसमें, ये हमारा है डॉट प्रोडक्ट में, किसमें हमारा ये डॉट प्रोडक्ट में हमारा ये है कि तीनों वेक्टर का जब हम डॉट करेंगे आई आई का जे जे का के का तो वन आएगा। इस जब हम आगे हम डॉट की जगह पढ़ेंगे क्रॉस, उसमें डिफरेंट रहेगा, इधर ही डाउट पैदा होता है कि आई डॉट आई ये हमारा वन रहेगा और इसमें बाकी काम करेंगे किसी भी दूसरे वेक्टर के साथ, आई का डॉट करेंगे जे के साथ या किसी का करेंगे तो हमारे सारे क्या रहेंगे जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी यही थी कि हम ये कैसे करते हैं। अब सेकंड हमारा क्या आ जाता है कि हमें पूछ लेगा फाइंड एंगल, क्या पूछेगा फाइंड एंगल, एंगल पूछ लेगा हमसे। तो एंगल निकालने का मैं देखो स्टूडेंट्स पूरा आपको इसका एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा और आपको कोई यूज में भी नहीं आएगा, उसका कोई यूज भी नहीं है क्लास ट्वेल्थ में, जब आप जब पीजी यूजी में करोगे तब आपको काम आएगा इसके लिए, तो वहां एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इधर मैं आपको ओनली फॉर्मूला बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या है। तो हमारा स्टूडेंट सीधा से सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, आप इतना याद रखना। तो इधर से कोस थीटा, इधर से हमें थीटा थीटा निकालेंगे, कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इधर से कोस थीटा हमारा हो जाएगा ए डॉट बी, ये इन दोनों का डॉट अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स देखो ए और डॉट बी, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड, ये हमारा कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें हम ले लेते हैं केस, कुछ केसेस के ऊपर मैं आपको डिस्कशन करूंगा। देखो इधर हम केस वन क्या ले लेते हैं, देखो केस वन में हम क्या ले कि हमारा मतलब परपेंडिकुलर आ जाए, क्या आ जाए स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा या फिर परपेंडिकुलर ऐसे दे देगा या फिर हमारा एंगल 90 डिग्री दे देगा स्टूडेंट्स। तो क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा 90, एंगल कितना, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 90 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो हमारा कितना हो जाएगा कोस 90, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कोस 90 इज इक्वल टू ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। कोस 90 पे हमारी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, हमारी वैल्यू होती है जीरो, कितनी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स हमारी जीरो। तो इसकी जगह मैंने जीरो पुट कर दिया इक्वल टू ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे तो ये इस साइड चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ए का वेक्टर बी का वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी, ये केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे एग्जाम में एक या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है या 1 मार्क्स का, और जब हम आगे जब आपको एनडीए के एग्जाम दोगे तो उस टाइप में मैं आपको पूछेगा, कोई भी वेक्टर दे देगा उसमें एंगल परपेंडिकुलर की कंडीशन ऐसे देंगे कि मैं आपको बताऊंगा, एक प्रॉपर्टी भी आएगी उसके बेसिस पे। एनडीए जब मैं एग्जाम दिया था तो उस टाइम भी बहुत उस प्रॉपर्टी पे बेसिस क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आगे उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। इधर आपको बस 3 ही चीजें देखनी है, खाली आपको ये चीजें याद रखनी है, उसके बाद हमारा एंगल का फॉर्मूला कोस थीटा का ये फॉर्मूला होता है ये याद रखना है, उसके बाद हमारा थीटा परपेंडिकुलर की कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 90 है तो आपको कंडीशन याद रखनी है एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा एक छोटा सा एग्जांपल की हेल्प से कि किसी की हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, छोटा सा एग्जाम्पल हमने क्या लिया, देखो स्टूडेंट्स कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, देखो एक एग्जाम्पल क्या है, हमने मान लो कोई भी हमें एक ए वेक्टर दिया हुआ है तो हमें क्या दे दिया 2i + 3j + 4k। फ्रेंड्स मैं कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल ले रहा हूं, और एक बी वेक्टर दे दिया हमें 3i + 4j + 5k। फ्रेंड्स तो पूछ लेगा फाइंड ए डॉट ये हमें फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स फाइंड करने का सिंपल सा मैंने बताया था, देखो हम कैसे करेंगे इसको फाइंड ए डॉट बी, क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम आई इस देखो अभी इसको लिख लेते हैं, 2i + 3j + 4k लिख लिया डॉट लिख लिया स्टूडेंट्स, अब दूसरा वेक्टर लिख लिया 3i + 4j + 5k, हमने ये लिख लिया, बीच में मैंने क्या लगा दिया डॉट, क्योंकि हमें क्या करना है डॉट, ये वेक्टर लिख लिया ये बी वेक्टर लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स मैंने सिंपल ये लिख लिया। अभी मैंने आपको बताया था, देखो आपको मैंने इधर क्या कंडीशन बताई थी, मैंने बताई थी आई डॉट आई इज इक्वल टू j.j इज इक्वल टू k.k, ये तीनों हमारे किसके इक्वल होते हैं 1k, ये एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक बता रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे इसके साथ करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करेंगे देखो, फिर हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। स्टूडेंट्स अब जे आई की सबके साथ हो गई, जे की सबके साथ हो जाएगी ऐसे ही, अभी के की भी हम 5 के साथ करेंगे, इसी प्रकार सभी की के साथ करेंगे, के की आई के साथ करेंगे, के की साथ के जे के साथ करेंगे, तीनों के साथ एक बार के साथ, फिर एक बार के की जे के साथ, फिर एक बार के की आई के साथ, तो तीनों की इस प्रकार तीनों के साथ एक एक बार तीनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स अभी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखो तो हम 2i सबसे पहले 2i की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं डॉट 3i कर दिया स्टूडेंट्स प्लस, फिर 2i की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं जे के साथ डॉट 4j। स्टूडेंट डॉट लगाना मत बोलना वाला, डॉट लग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन पूरा गलत इधर ही हो जाएगा आपका प्लस, फिर 2 की करेंगे हम 2i·5k प्लस का साइन स्टूडेंट्स, अब उसके 3j की 3j·3i, अब फिर सिमिलरली इसी करेंगे 3j·4j प्लस 3j·5k, इसी प्रकार करेंगे फिर k की 4k·3i प्लस 4k·4j प्लस 4k·5k। अब स्टूडेंट देखो मैंने क्या बताया था i·i, देखो i·i हमारा एक तो ये i·i, एक j·j, एक ये j·j, एक k·k, ये तीनों तो क्या होंगे इनका डॉट करेंगे i·i करेंगे तो ये तो 1-1 हो जाएंगे, बाकी हम i·j करेंगे ये भी जीरो 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 ये भी जीरो, तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा इसका, हम a·b निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 6, क्या हो जाएगा 2 3 6 i·i कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा प्लस, इधर करेंगे 3 4 12 j·j कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा, फिर
5 जा 20, के डॉट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 38, कितना हो जाएगा हमारा 38। तो इस प्रकार हम किसी भी का भी डॉट प्रोडक्ट ऐसे करते हैं। और सिमिलरली इसी प्रकार हम एंगल फाइंड करते हैं। अभी एंगल पूछ लेता मान लो इसी में, तो एंगल कैसे निकालते देखो, कोस थीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो देखो ये हो गया हमारा ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारा कितना आया 38 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स ए का मैग्नीट्यूड में पहले ही आपको बता दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारा अंडर रूट 29 आएगा स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, अगले का निकालेंगे तो हमारा सिंपल से आएगा 25 + 16 + 9, तो हमारा आएगा 50, अगले का क्या आएगा अंडर रूट 50 स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार कोस थीटा इज इक्वल टू 38 और अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई 50। तो इनको हम सोल्व कर लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, कोस इनवर्स 38 अपॉन अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई 50, ये हमारा। इस प्रकार हम थीटा फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल सा है। दोनों क्वेश्चंस मैंने एक एक एग्जांपल्स की हेल्प से आपको बताए। अभी हम इसी पे डॉट प्रोडक्ट पे आगे चर्चा करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। अभी आगे चलते हैं, देखो आगे स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे इसी में हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट हमारा। अभी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी, की प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। और कुछ प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। डॉट भी है और ये स्केलर भी है, ठीक है। ये बहुत डाउट पैदा करता है जब आप 12th, हम भी 12th क्लास में थे तो हमें भी होता था, तो यहां पे बहुत बहुत डाउट क्रिएट होता है बंदों को। तो अब पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ए यूनिट वेक्टर ए पोजिशन वेक्टर डॉट बी पोजिशन वेक्टर हमारे क्या रहेंगे, हमारे इसका डॉट करेंगे उल्टा, या तो ए डॉट बी करेंगे या बी डॉट ए करेंगे, दोनों हमारे इक्वल रहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी स्टूडेंट्स क्या रहेगी, जब हमारे कोई भी ए एंड बी आर टू वेक्टर, देखो स्टूडेंट्स हमारे क्या रहेगी, एक वेक्टर ए दे दिया हमें और बी प्लस सी ये दे दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एक हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी इसके साथ क्या, फिर इसका इसके साथ क्या, तो एक प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स हमारी, जो हमें अभी पढ़ी थी 90 एंगल वाली, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो वैन, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, क्योंकि हमें कंडीशन पढ़ी थी थीटा क्या है 90 डिग्री, जब भी ये कंडीशन आई थी हमारी। तो स्टूडेंट्स हमारी ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, कितना किसी टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था, डॉट पढ़ा था, अभी हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा हमारा। इसमें क्या है हमारा, मैं आपको देखो एक डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा। ये हमें एक सर्कल ले लिया, ठीक है, यहां हमने ले लिया आई, आई यूनिट मतलब आई वेक्टर, दूसरा हमने इधर ले लिया जे और इधर हमने ले लिया के। क्या ले लिया स्टूडेंट्स, हमने तीन यूनिट वेक्टर ले लिया हमारे आई जे के, हमारे जो वेक्टर रहते हैं इनको वेक्टर या यूनिट वेक्टर बोला, वैसे यूनिट वेक्टर जाता है, मैं इसको वेक्टर ही बोल रहा हूं इधर। तो हमने तीन वेक्टर ले लिया इधर। तो स्टूडेंट देखो मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, आई डॉट आई हमारा वन होता था, जे डॉट जे वन होता था, के डॉट के वन होता था। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, क्रॉस, क्रॉस का मतलब हमारा उसमें डॉट था, अब क्या होगा क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये, उसमें पढ़ा था हमने डॉट, क्रॉस का भी ये साइन आ जाएगा हमारा इधर, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम पढ़ेंगे क्रॉस, तो क्रॉस में स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम भी आएगा और कंफ्यूजन भी पैदा होगा इधर। तो हम इसमें क्या होगा, आई क्रॉस आई इक्वल जे क्रॉस जे इक्वल के क्रॉस के, स्टूडेंट्स हमारे ये इसमें होंगे जीरो के इक्वल स्टूडेंट, ठीक है। अभी एक थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाऊंगा। आई क्रॉस जे
इसमें किसके इक्वल होगा? आई देखो ये इधर से आया, डायरेक्शन देखो हमारी क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही है हमारी, आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो गया हमारा के इक्वल, किसके इक्वल हो गया हमारा के इक्वल। स्टूडेंट देखो ये मैंने किस कब लिया, ये हमारा है ये इसी डायरेक्शन में चला, आई इसी डायरेक्शन में, फिर जे भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए मैंने के लिया। अभी हम क्या ले लें, जे क्रॉस के, जे इसी डायरेक्शन में है, के भी इसी डायरेक्शन में है, तो किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल हो जाएगा, तो हमने आई ले लिया। अभी हमारा क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई, क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई, तो हमारा सेम, के क्या है इसी डायरेक्शन में और आई भी हमारा इसी डायरेक्शन में, तो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा जे के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे हो गए तीनों, इस प्रकार हमने ये पढ़े। देखो अभी मैं थोड़ा सा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा ज्यादा रहता है, तो देखो मैं अभी थोड़ा सा साइन चेंज करूंगा इधर, तो देखो क्या रहेगा, हमने ले लिया आई क्रॉस के, क्या ले लिया आई क्रॉस के, आई के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, वैसे डायरेक्शन में क्या रहा, जे, जे मैंने छोड़ दिया बीच में, डायरेक्ट क्या ले लिया के। तो स्टूडेंट्स ऐसे जब बीच में किसी को भी गैप करेंगे या हम रिवर्स उल्टी डायरेक्शन में लेंगे, तो दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा नेगेटिव, और क्या बच गया, आई और जे का तो क्रॉस कर दिया, तो हमारा सिंपल सी बात है के बचे, जे बचेगा। अब इसी प्रकार देख लो, हम के क्रॉस जे करें तो कितना क्या आ जाएगा, आई, तो फिर एक को बीच में गैप मिल रहा है, देखो बीच में गैप आ गया, अब के बाद तो आई आना था, लेकिन आई ना आके मैंने क्या ले लिया जे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर का हम करेंगे तो हमारा नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है, क्योंकि आगे आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिलेगी, तो मैंने ये आपको बता दिया स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट पे चलूंगा कि किसी, जैसे मैंने डॉट का बताया कि डॉट हम ऐसे निकालते हैं, किसी भी एग्जाम्पल की हेल्प से बताया कि कैसे डॉट निकालेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि एक किसी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे कि हम किसी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट देखो मैं इधर बताता हूं आपको, फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, किसका, टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो एक ए वेक्टर ये दे दिया हमें मान लो, और एक बी वेक्टर ये दे दिया, तो दोनों का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला रहेगा, इधर ले लेंगे आई आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, और इधर ले लेंगे ए वन ए टू ए थ्री, और इधर ले लेंगे बी वन बी टू बी थ्री। अब आप बोलोगे सर ये बी वन बी टू बी थ्री ए वन ए टू ए थ्री क्या है, तो स्टूडेंट देखो मैं इधर सिंपल सी बताता हूं आपको, ए वेक्टर इधर दे रखा है हमें, तो हमारा अब ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री क्या रहेगा, देखो क्या रहेगा, हमें कोई भी वेक्टर दे देगा, मान लो दे देगा इधर टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, और बी वेक्टर दे दिया हमें फोर आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, ये हमें दे दिया। तो स्टूडेंट्स अभी देखो जो हमारा ये है, ये हो जाएगा ए वन, ये हो जाएगा ए टू, और ये हो जाएगा ए थ्री, इसी प्रकार ये हो जाएगा बी वन, ये हो जाएगा बी टू, और ये हो जाएगा बी थ्री। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आई जे के हमारा सेम रहेगा, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये इसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट आपने मैंने पहले भी लेक्चर अपलोड किया हूं पूरे डिटर्मिनेंट के ऊपर, तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, उसके लिए इस इधर वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट रो क्या लोगे इसको एक्सपेंड करेंगे, और हमारा ए क्रॉस बी निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद हम ये हमने किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा, और ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री हमारे क्या रहेंगे वो उसके ऊपर बात किया। अभी हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा कि इनका एंगल कैसे फिक करेंगे, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जब हमारा क्रॉस में आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट हमारा सिंपल सा हम लिखते हैं क्रॉस को, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारा सिंपल से उसमें क्या था कोस थीटा था, इधर इसमें साइन थीटा आ गया, इधर डॉट था, अब इसमें क्रॉस आ गया। अगर इधर से एंगल पूछ लिया तो हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए
क्रॉस इंटू बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारा सिंपल सा साइन का निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स। देखो अभी इधर इसमें हो गया ये, दूसरी कंडीशन ये हुई इसमें, तीसरी कंडीशन देखो स्टूडेंट्स, तीसरी कंडीशन हमारी क्या आएगी, इसमें कुछ केस हैं, क्या होंगे कुछ केस लेंगे, कुछ केस लेंगे तो देखो क्या होगा हमारा, केस लेंगे तो हम इसमें दो या तीन चीजें कर सकते हैं। एक तो क्या है कि हमारा दोनों वेक्टर, टू वेक्टर जो इसमें लिया है, टू वेक्टर आर पैरेलल, क्या हो पैरेलल, या फिर क्या हो, या फिर दूसरी कंडीशन होती है टू वेक्टर आर कोलिनियर, क्या हो कोलिनियर। तो हम स्टूडेंट्स इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जब टू वेक्टर्स आर पैरेलल और टू वेक्टर टू कोलिनियर हमारे तो ये रहेंगे, तो हम कम क्रॉस को क्या लिखेंगे जीरो के इक्वल। और हमारा अगला केस क्या रहेगा स्टूडेंट्स, केस टू हमारा रहेगा कि हमारा थीटा कितना हो, थीटा हमारा 90 हो, क्या हो थीटा हमारा 90 हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 पे वैल्यू कितनी होती है 1 होती है हमारी, साइन 90 पुट करेंगे हमारे सेम इस फॉर्मूले में, इसमें पुट करेंगे सेम 90 तो करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये हमारे क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे और ये हमारी एक ये कंडीशन बन जाएगी। तो हम दे रहे इधर से क्रॉस प्रोडक्ट से दो निकल के आई हमारी ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो अभी हमारी क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अभी ये पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी, हम तीन चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें से एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है वो आएगी तो मैं बताऊंगा। तो पहली हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इक्वल कब रहेगा, जब इसका अपोजिट साइन रहेगा दूसरे का, जब ए क्रॉस बी किया और हमें बी क्रॉस ए किया, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हमारा बी क्रॉस ए क्या होगा नेगेटिव का साइन होगा तब ये हमारा क्या होगा इक्वल होगा। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगा, कोई भी हमारा ऐसे कर दिया, मान लो हमें एक एम, एम क्या है हमारा स्केलर है, कुछ भी स्केलर है, हम इसका करेंगे इसके साथ क्रॉस, तो हमारे कब इक्वल होंगे देखो, तो हम ये हमारे इक्वल होंगे एम मल्टीप्लाई एक ए वेक्टर के साथ प्लस हमारा क्या, सॉरी स्टूडेंट्स एम का किया हमने ए के साथ कर दिया ए वेक्टर के साथ, और ये दोनों इक्वल कब तो होंगे, जब ये इसका हम क्रॉस करेंगे बी के साथ, ये हो गया एक, और ये होगा हमारा एक। तो दूसरा हमारा ये कब इक्वल हो सकता है, एक ए कर दे क्रॉस में जैसे एक बार बी किया, अब ए क्रॉस कर दें और एम का कर दें बी के साथ, तो एक बार ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये इसका करें स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली दोनों प्रॉपर्टी अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट देखो, इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, एक बार ए का हमने किसके साथ किया बी के साथ किया, फिर एक बार क्रॉस कर दिया सी के साथ स्टूडेंट्स। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हमारी क्या है ए क्रॉस बी का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, क्या होगा स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखो अब ये प्रॉपर्टी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, इन दोनों प्रॉपर्टियों के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तब भी इन दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर एनडीए में पूछा जाता है, हर बार एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर आता है और बच्चे कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि इसमें कभी क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा या फिर हमें इधर कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा एंगल्स डालता है 90 का, इसके ऊपर मैं एग्जांपल्स लूंगा क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इधर कंफ्यूज होते हैं बंदे सारे, क्योंकि हमें पता होता है ए डॉट बी कब इक्वल टू जीरो कब होता है हमारा, परपेंडिकुलर कंडीशन में ओनली जीरो होता है हमारा ए डॉट बी, तो हमें क्वेश्चन में गिवन दे देगा वो
ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें ये कंडीशन दे देगा। और हम इस ये ध्यान नहीं देते कि जब ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर क्यों, हमारी कंडीशन 90 हो जाएगी, इधर कंफ्यूज होता है हमारा। और बाकी हमें ये गिवन दे दे एक, या तो ये हमें ये पूछ लेगा फाइंड ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड दे देगा दोनों का और लिए दे देगा डायरेक्ट लिखा हुआ कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो हमें ये पूछ लेगा, या फिर एक का मैग्नीट्यूड दे देगा दूसरे का फाइंड करना पूछ लेगा, ये हमें गिवन दे देगा। तो इनके ऊपर बेसिस क्वेश्चन पे मैं कराऊंगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेक्टर के अंदर। अभी हमारा क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, अभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे जो कि काम आएंगे, हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि हमारे बहुत अभी तक मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट वेक्टर का लगभग 90% क्लियर कर दिया है। कुछ जो लेफ्ट भी है वो जब एक्सरसाइज मैं सीरियल वाइज कराऊंगा तो उसमें आपको जो आएंगे, तो साथ के साथ मैं साइड में हमेशा मैं साइड में फॉर्मूला लिखता रहता हूं, तो उसमें भी मैं लिख को आपको समझाऊंगा। तो हमारा सबसे पहला है, हमें पूछ ले फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या पूछेगा? फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड। क्या पूछ ले हमसे? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड पूछ ले तो हमारा हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल सा हम तो आप लोग याद रखना कि मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा ये रहेगा, हमारा पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा हमें इसी में पूछ सकता है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगनल। किसके? विद डायगनल। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो इसमें क्या पूछा, एडजेसेंट साइड, इसमें मैंने क्या बताया डायगनल, एडजेसेंट साइड में तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है और डायगनल में हमारा इसका मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी थर्ड पे चलते हैं कि थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है हमारा। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, देखो थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये है, थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। तो अब हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमारा ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, दो वेक्टर दिया होगा हमें, एक ए वेक्टर और एक बी, तो क्या होगा हाफ वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा। तो हमारा फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्रोजेक्शन के ऊपर। हमारे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में हमें दो टाइप से पूछेगा, या तो पूछेगा ए ऑन बी, क्या पूछेगा ए ऑन बी, ए ऑन बी पूछे तो इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी, ए और बी का डॉट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो हमारा लास्ट वाला रहेगा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। या पूछ ले बी ऑन ए, क्या पूछ ले बी ऑन ए, तो इसका करेंगे तो हमारा सेम होगा ए डॉट बी अपॉन ए है हमारा, तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आज हमने वेक्टर का पूरा बेसिक जो हमारा दिया हुआ था वो हमने पढ़ लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं समझा तो आपको वेक्टर समझ में नहीं आएगा। और वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका नोट्स चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लास 12th मैथ एंड फिजिक्स, दोनों के नोट्स उधर अवेलेबल रहेंगे, आप उधर से मैसेज करना, हम आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे, और ऑलरेडी उसमें नोट्स भी अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।